गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर आज विशेष चर्चा करेंगे। इसके जो दो खंड है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बचपन से ही क्रोध जो है वो हमेशा हावी रहा, जिसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मेरा शरीर जो है पित्त प्रकृति का शरीर है। पित्त प्रकृति के जो शरीर होते हैं उसमें हीट यानी जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है। इनका जो स्केलेटल होता है वो काफी हैवी होता है। ब्रॉड शोल्डर्स इसकी एक पहचान है, और गर्मी में इनको बहुत तकलीफ होती है, ठंडी में इनको तकलीफ होती नहीं है। ठंडी इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको गर्मी ठीक लगती है, वो बिना एसी के भी सो सकते हैं गर्मी में, पर ठंड उनके बर्दाश्त के बाहर है, मतलब उनको बहुत ठंड लगती है, तो उल्टा है। और कफा प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी अपनी अलग एक पहचान होती है। मैं अभी इन तीनों कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। तो काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई 9th क्लास में 8th क्लास में, बहुत लड़ाइयाँ हुई। इसी वजह से एक रीज़न था कि मैं 10th 11th 12th प्राइवेट किया, क्योंकि मेरी लड़ाइयाँ जो थी वो काफ़ी होती थी। ये एक बहुत ही सेकेंडरी रीज़न था जिसकी वजह से पढ़ाइयाँ जो मेरी हुई 10वीं 11वीं और 12वीं की, वो लड़ाई की वजह से हुई। हाँ ठीक है ठीक है, तो मेरी कुक थी वो एक्चुअली। तो अब देखिए मेरा सीन ऐसा है कि क्योंकि जैसा कि मैं लास्ट में बता चुका हूँ आपको पॉडकास्ट में कि मैं संगीत कर रहा था, इस वजह से मेरा जो प्राइवेट में हिस्सा हुआ, प्राइवेट में क्लासेस हुई मेरी 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासेस जो थी वो प्राइवेट की थी। और उसका एक और रीज़न था कि मेरी लड़ाई हो चुकी थी कई लोगों से, शायद आप होते तो आपसे भी हो जाती, मतलब अगर आप मेरे क्लास में होते तो, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियां थीं जो बाद में मुझे खुद दिखीं कि मैं घुल मिल नहीं पाता था किसी से। मेरा अपना अलग एक एटीट्यूड था, अपनी अलग सोच थी, और यही एक कारण था जिसकी वजह से क्लास के लड़के मेरे को पसंद नहीं करते थे, लड़कियां सारी पसंद करती थी। तो क्लास के लड़कों को मेरे अंदर एटीट्यूड लगता था। बाद में ये सारी चीज़ें सत्य भी साबित हुई जब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि सच में ये ऐसा है, ऐसा सच में है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो हो रहा था, उस वक्त बड़ा हो रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों में, धीरे धीरे आदमी जब ग्रो होता है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। कुछ लोग को नहीं आता, मूढ़ बुद्धि होते हैं कुछ लोग, उनको 60 साल तक समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन गहरी होती गई, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद 2016 में, मैं ज़्यादातर जितने भी लोग हैं सबके साथ घुलने मिलने लगा, और स्पिरिचुअलिटी से पहले मैं नहीं घुल मिल पाता था उतना। कहीं ना कहीं ये सारा खेल ये एहसास करने का है कि जो लोग हैं वो भी हम हैं, मतलब वो मेरा ही हिस्सा है, और ये सब को, ये पूरी दुनिया मैं से युक्त है। क्रोध नहीं रुका। 2016 में जब मेडिटेशन चालू किया तब क्रोध थोड़ा धीरे धीरे हाथ में आने लगा, मेरे अंदर प्यार आने लगा, प्रेम आने लगा, प्रेम भाव ज़्यादा होने लगा, क्रोध भाव कम होने लगा। क्योंकि चक्कर ये था कि मन खुश नहीं था, अब जब मन खुश नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध के दो खंड है, पहले समझना ज़रूरी है।
एक खंड है, जो पहला खंड है वो खंड होता है कि आप क्रोध कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मतलब जिसके जिसका हमारे ऊपर जिसका नियंत्रण हमसे खो जाए, इसको इनवॉलंटरी एंगर बोलते हैं। और एक होता है वॉलंटरी एंगर ऐसा एंगर है जो आप खुद करते हो। जैसे आपकी मान लीजिए आपकी बाइक को किसी ने आके ठोक दिया, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने दारू पी रखी थी, तो आपने उसको गाली दे दी, ये वॉलंटरी एंगर है। बहुत इसको समझना ज़रूरी है, वॉलंटरी एंगर इनवॉलंटरी एंगर को समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने नहीं समझा तो इसमें काम लग जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि इसकी लाइन जो है वो बहुत बारीक है। इनवॉलंटरी एंगर क्या होता है, जैसे आप बैठे हुए हो, अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है आपको, मतलब इरिटेशन हो रही है, जबरदस्ती बैठे हो, जैसे दारू पीने के बाद, या किसी इंद्री को ज्यादा अगर आप स्टिमुलेट कर लेते हो, जैसे आप शुरू में दारू पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार दारू पियोगे तो आप देखोगे दारू पीने के बाद गुस्सा आने लगता है। जैसे आपने देखा होगा ना, लोग लगा के आते हैं अपने बीवी बच्चों को मारने लगते हैं, तो वो आप भी तो पीते हो, और वो उसमें और आप में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि आप कम पी रहे हो, वो रोज पीता है, तो दारू ज्यादा पीने से गुस्सा आता है। ऐसे ही अगर आप हस्तमैथुन ज्यादा करते हो तो उससे गुस्सा आता है, आप सेक्स ज्यादा करते हो तो गुस्सा आता है। तो जहां पे पीक ऑफ प्लेजर है वहीं पीक ऑफ एंगर भी है, अगर आप देखें ध्यान से। तो इंद्री तब तक यूज हो रही है जब तक जितनी जरूरत है, गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन इंद्री को अगर तुमने सुख के लिए भोगना चालू कर दिया कि तुम सोचो कि अब भोगेंगे सुख, तो उसमें गुस्सा तो आएगा ही आएगा, हो सकता है बीमारी भी लग जाए। कैसे, दारू ज्यादा पियोगे तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी में असर होता है, सेक्स ज्यादा करोगे तो HIV होने के चांसेस हैं। अगर आप सोचो कि अलग अलग मैं भिन्नता में जाऊं और सोचो कि हम कॉन्डम लगा लेंगे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी जो पगला है सेक्स के लिए, वो कभी कॉन्डम के साथ सेक्स नहीं कर सकता, तो कभी ना कभी तो उतारेगा और वो फंस जाएगा, तो HIV होने का खतरा है, और साथ ही साथ गुस्सा भी है। अब आप देखो, अगर जितने भी कार वाले लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, आप देखोगे इनके अंदर एक गुस्सा होता ही है नॉर्मल। अब ये जो गुस्सा होता है ये इनवॉलंटरी एंगल इनके अंदर है, जरा सा कार टच हो गई पीछे निकलेंगे, रिक्शे वाले को मारने लगेंगे, अरे भैया कोई जानबूझ के थोड़ी भेड़ा है, अगर जानबूझ के भेड़ा है तो ठीक है, उसको गाली दे दो, साइड में धक्का वक्का दे दो, जो भी है, चलो ठीक है। अब तुमने, लेकिन तुमने क्या किया, इतना ट्रैफिक था, इतनी गर्मी है, तुम तो AC में बैठे हुए हो, हल्का सा टच हो गया, स्क्रैच आ गया, तो उसमें तुम गाड़ी से निकले। और यही लोग मारते हैं, कभी स्प्लेंडर वाला नहीं मारेगा। आप देखो ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा कमाना बुरी बात है, अमीर होना बुरी बात है, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो गुस्से, जो ये हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं, इनके अंदर गुस्सा क्यों होता है ज्यादा, पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि इंद्री भोग इनमें ज्यादा है, इंद्री भोग ज्यादा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके चेहरे पे एक अकड़न होगी, एक कंस्टिपेशन होगा, क्योंकि पहली चीज तो ये एक्सरसाइज नहीं करते। ज्यादातर जो लग्जरी वाले लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि हम शरीर के अंदर काम ना करें, शरीर के बाहर सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम रखें, तो उससे क्या होगा, शरीर के जो नसें हैं उससे वो सेंसेशन जाएगी, तो शरीर को अच्छा लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर की जो नसें हैं वो आपके गाड़ी के लेदर सीट में नहीं है, जो नर्व्स हैं वो कनेक्टेड है बॉडी से, और बॉडी में है स्टिफनेस, बॉडी में है फैट,
बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब आदमी के अंदर क्या इल्यूजन होता है कि हम शरीर के आसपास लग्जरी इकट्ठा करने लगेंगे। अब शरीर के आसपास लग्जरी इकट्ठा करेंगे तो इसमें गलतफहमी क्या है? गलतफहमी माया क्या है? इसको माया बोलते हैं। गलतफहमी यह है कि अगर हम शरीर के आसपास इकट्ठा कर दें तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो अच्छा फील करेगा। जबकि शरीर की जो नसें हैं वो शरीर से कनेक्टेड हैं, आपकी गाड़ी के लेदर सीट से कनेक्टेड नहीं है। आपके गाड़ी का जो वातावरण है, एसी है, वो एसी से शरीर की नसों का क्या मतलब? शरीर की नसें तो शरीर से कनेक्टेड है ना, इसीलिए मंदिर बोला जाता है इसको। शरीर को मंदिर बोला जाता है। मंदिर, दिर मतलब जगह, मन मतलब माइंड, मन की जगह मंदिर। इसलिए आप देखोगे कि हर एक मंदिर में जो मूर्ति होगी वो बीच में होगी, क्योंकि आत्मा का ऐसा मानना है कि आत्मा बीच में होती है, एकदम सेंटर पॉइंट है, तो वो डिनोट करता है मंदिर को। लेकिन लोगों ने मंदिर का कॉन्सेप्ट कुछ और ही बना दिया बाद में। कॉन्शियसनेस को पूजा जा रहा है वहां पे। जिन लोगों ने कॉन्शियसनेस को दिखाया है उनकी पूजा होती है और कॉन्शियसनेस की पूजा होती है। दो लोगों की पूजा होती है यहां पे। भगवान शिव ने कॉन्शियसनेस की बात करी है शिव सूत्र में। तो भगवान शिव को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि कॉन्शियसनेस को दिखाने वाले वो बंदे हैं, उन्होंने कॉन्शियसनेस को दिखाया है उस आदमी ने, ठीक है, कि ये कॉन्शियसनेस है। या फिर ये भी कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो ही खुद भी कॉन्शियसनेस है, ये भी कह सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस डिनोट हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आपने देखा ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, आपने देखा होगा ब्रह्म की पूजा नहीं होती कभी भी, क्योंकि ब्रह्म का कोई फॉर्म ही नहीं है। तो उसके पीछे एक कहानी है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। वो लोगों ने कहानी बना दी, ठीक है, और वो कहानी है, हम उस कहानी में नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रह्म की पूजा क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्रह्म फॉर्मलेस है, ब्रह्म को फॉर्म दे ही नहीं जा सकता। अगर आपने ब्रह्म को फॉर्म दे दिया तो सारे के सारे जो आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो ढह जाएंगे, जो ब्रह्म का फॉर्म ही नहीं है। और ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म से ही सब कुछ निकला हुआ। अगर आप हर जगह देखें तो ब्राह्मण जो कास्ट है, ये जो ब्राह्मण कास्ट है ये ब्रह्म का आचरण करने वाले लोग है। ब्रह्म आचरण फिर आगे बन गया ब्राह्मण, अगर आप तोड़ोगे तो ब्रह्म का आचरण होने वाला होता है। तो पहले जब जिस टाइम पे ये ओरिजिन हुआ था ब्राह्मण बनने का, उस वक्त तो ये लोग जानते थे कि ब्रह्म मौजूद है। मतलब ब्राह्मण वर द फर्स्ट पीपल जिनको सब मालूम होता था। मतलब दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यू नो स्क्रिप्चर्स राइटर्स, स्क्रिप्ट रीडर्स। तो आप देखोगे कि दीज पीपल आर ऑलवेज दे ऑलवेज हैव भगवद गीता एंड महाभारत एंड आप हर चीज आप ब्राह्मण से करवाते हो। रामायण वगैरह भी अगर कोई करेगा तो आप देखोगे पंडित कोई है तो वो पढ़ रहा है। दैट इज दैट वेंट। सो या सो अब इसको थोड़ा सा हम ज्यादा ड्रैग हो गए, टॉपिक से डिविएट हो गए, पीछे आते हैं। तो घर जो है वो मंदिर की तरह है, यानी वो जो घर है वो शरीर है। अब शरीर के अंदर जो गंदगी है वो तुमने साफ नहीं करी, शरीर के बाहर तुमने क्या लगा दिया, एसी, लेदर सीटें, मखमल के बिस्तर। अरे मखमल के बिस्तर से तुम्हारे नर्वस जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं जिनसे सेंसेशंस होती हैं, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, क्या वो तुम्हारे मखमल के बिस्तर से अटैच्ड है या तुम्हारे शरीर तक हैं, सीमित हैं? तुम्हारे शरीर तक सीमित हैं। तो जहां शरीर में जो गंद मची हुई है वो तो हटाओ पहले। तो लोगों ने क्या ये जो लग्जरी वाले लोग हैं जितने भी जो ये जो आजकल के लड़के लड़कियां लग्जरी की तरफ भागते हैं, उनको सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लग्जरी रैप अप कर देंगे। ये वही कहना हो गया कि यू नो हमारी
फिंगर में चोट लगी हुई है और छिला हुआ है, और फिंगर के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एक और फिंगर लगा दी। तो ये इल्यूजन है लोग के अंदर। लोग लगता है कि हम एक जो फिंगर के ऊपर हमने पट्टी बांध रखी है वो उससे आचरण मिलता है सुख का, जबकि शरीर के जो नर्व्स हैं वो कनेक्टेड है शरीर तक। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो प्रॉब्लम ये है कि जो गुस्सा आ रहा है वो जो शरीर में गंध मचा हुआ, जो मंदिर है मन का, जो घर है उसमें जो गंध मचा हुआ है वो वहां से आ रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं या आपके घर वाले जो भी हैं कारोबार में बैठते हैं, आप भी खुद भी, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके अंदर इल्यूजन आता है कि हम आसपास अगर कुछ इकट्ठा कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा आपको लग ही नहीं सकता क्योंकि अच्छा लगना शरीर तक सीमित है। जो भी अच्छा लग रहा है वो शरीर के जो गंध मची हुई है, या शरीर में अच्छा है, या शरीर में साफ सुथरी शरीर है या गंध मची हुई शरीर है, इससे डिपेंड करता है। लेकिन तुमने क्या, बाहर तुम साफ कर रहे हो, बाहर तुमने घर को क्लीन कर दिया, बाहर तुमने घर में एसी लगवा ली, बाहर तुमने मखमल बिस्तर लगवा लिए, तो क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें अंदर अच्छा फील होगा? ये प्रॉब्लम है लोग के साथ। और जो रिक्शे वाला होता है, जो स्प्लेंडर वाला होता है, वो ये सोचता है कि ये लोग सुख में। कौन लोग सुख में? ये लग्जरी कार वाले। जो गरीब आदमी है वो ये सोचता है कि अमीर आदमी सुखी है, जबकि दोनों ही शरीर में है। शरीर के बाहर जो सेंसेशंस प्राप्त होती हैं उससे कोई मतलब नहीं है जब तक शरीर आपका साफ नहीं है। जब तक शरीर आपका साफ नहीं है तब तक शरीर के बाहर कुछ भी सेंसेशंस लगवा लो, कुछ भी लगा लो, एसी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा, कुछ भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर आने की कोशिश करेगा और शरीर में गंदी मची हुई। हाँ, शरीर अगर साफ है तो बाहर तुमने एसी में बैठे हो तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मैं एक पार्टी में गया, वहां पे एक अंकल थे दारू पी रहे थे। तो मेरा क्या है, मैं नशे वसे चिटका लेता हूँ, मतलब बेसिकली कायरोप्रैक्टर थोड़ा बहुत हूँ मैं। तो मैं अपने बैंड वालों की नशे चिटका रहा था, मैंने कहा लेटो चिटकाता हूँ। तो बैक से मैंने स्टार्ट करता हूँ, बैक से मैं प्रेस करता हूँ तो हड्डी चिटकती है टक 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 पूरी तरीके से। और जॉइंट्स में नाइट्रोजन होती है वो निकलते रिलीज होती है तो अच्छा लगता है। गर्दन चिटकाना या पैर के जॉइंट्स को चिटकाना, वट एवर जो भी। तो वो अंकल देखने लगे, कहते हैं यार मेरा भी कर दो। ठीक है, आइए। लेटे, मैंने जैसे उनके पीठ पे प्रेस किया, इट वॉज लाइक रॉक हार्ड सॉलिड, मतलब पत्थर की तरह उनका हार्ड था। तो मैंने काफ़ी प्रेस किया, मैंने कहा अंकल अगर मैंने ज़्यादा प्रेस किया तो ये आपका हड्डी चिटक सकती है, बोले फ्रैक्चर हो जाएगा आपका। कह रहे क्यों? मैंने कहा आपकी इतनी स्टिफनेस है, इतनी अकड़न है कि तुम्हारे मन में सिर्फ अकड़न नहीं है, तुम्हारा शरीर भी अकड़ा हुआ है। देखो कितना खतरनाक है। अकड़न किसके अंदर होती है? अकड़न किसके अंदर होती है भाई? लाश के अंदर अकड़न होती है। अगर आप मर गए तो जिस पोजीशन में तुम मरे हो उसी पोजीशन में तुम्हारा मेंटेन रहेगा। राइगर मॉर्टिस बोलते हैं इसको, कभी गूगल पे सर्च करना, राइगर मॉर्टिस विल सेट इन वंस यू डाई आफ्टर 2-3 hours काइंड ऑफ बॉडी विल गेट स्टिफ। बट इफ न्यू चाइल्ड बॉर्न बेबी इज देयर, न्यू चाइल्ड इज बॉर्न, फ्रेश बेबी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी आपने कभी? एक 10 साल के बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी देखो। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटीज। सो इफ द बॉडी इज फ्लेक्सिबल इनफ, द अननेसेसरी एंगर जो है वो खत्म हो जाता है। अब ये एंगर जो है, ये इनवॉलेंट्री जो एंगर है, ये कई जगह होते हैं। एक होता है शरीर से, एक होता है मन से। तो शरीर की अकड़न है, शरीर की बीमारियां हैं, शरीर का गंदापन है, उसकी वजह से भी होता है। और एक होता है मन से, जो मन में आपके अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी हो रही है और गंदगी मची हुई है मन के अंदर, उसकी वजह से भी अंदर आपके होता है। और एक होता है नशे से और इंद्री में ज़्यादा ज़्यादा जाने से, तो वो शरीर में ही आ गया।
तो अगर तीन मुख्य कैटेगरी देखें तो एक तो हो गई शरीर में जो गंद मची हुई है यानी स्टिफनेस यानी फैट डिपॉजिट और नो एक्सरसाइज। नंबर टू अगर देखा जाए तो आपका होगा इंद्रियों का भोग बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा दारू पीना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करना। उसके बाद आता है आपका मन। अब मन जो है उसमें अंदर अननेसेसरी ओवर थिंकिंग होती रहती है, ये ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है एंगर। ये सब इनवॉलेंट्री एंगर है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ये एंगर जो है ये होता ही है आपके अंदर, जैसे कि आप लेटे हुए हो, अब आपको लेटे लेटे गुस्सा आ रहा है, ऑटोमेटिक बिना किसी रीजन को गुस्सा आया पड़ा है, पागल हो गए। तो किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, उसके ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। कभी कभी गर्मी ज्यादा लगती है तो गर्मी की वजह से गुस्सा आता है। तो आपने क्यों अदरक खाई? आप पित्त प्रकृति के शरीर के आदमी हो, आप गर्मी में अदरक खा रहे हो, आप गर्मी में लहसुन प्याज खा रहे हो, तो भैया तो गुस्सा तो आएगा ही, शरीर को गर्म कर रहे हो तो गुस्सा नहीं आएगा। तो काफी चीजें होती हैं, इनवॉलेंट्री एंगर बोलते हैं उसको। अब इसके बाद होता है वॉलेंट्री एंगर। तो मन की गतिविधियों, हाँ, इनवॉलेंट्री एंगर में इसका सलूशन बताना होगा। अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उससे एंगर क्रिएट होता है। दैट इज ऑनली द वन थिंग इज देयर, साधना। साधना के अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। सिर्फ साधना करके आप मन को शांत कर सकते हैं। एक बार मन शांत हो गया तो शरीर के अपना रोज भागो, आप 1 किलोमीटर से चालू करो, आप कभी देखो कितना अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मैंने भागना चालू किया है, क्या मजा आता है। 1 किलोमीटर से चालू किया था, नीचे पार्क है, मेरी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है तो हम लोग भागते हैं, अकेले मैं भागता हूँ और कोई नहीं भागता, मतलब बाकी लोग भी होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो ये है। अब मन का जो गुस्सा है वो साधना से खत्म होगा। वॉलेंट्री एंगर पे आते हैं। वॉलेंट्री एंगर जो है बेसिकली, ये जो एंगर होता है, ये एंगर बेसिकली आपके अंदर होना चाहिए। लोग पूरी तरीके से एंगर को खत्म करना चाहते हैं, नहीं, आप एंगर को खत्म मत करो, क्योंकि अगर आपने एंगर खत्म कर दिया ना तो आप बहुत सारे लाइफ में कई सारी चीजें कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैं सिंगिंग करता हूं तो वहां पे एंगर चाहिए, डांस करते हो तो एंगर चाहिए, जुनून है एक। किसी ने ब्रेकअप कर दिया तो आपको वो पूरा गुस्सा अपनी पढ़ाई में लगा देना है, तो वो गुस्सा चाहिए, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं चाहिए। तो वॉलेंट्री एंगर जो होता है वो बेसिकली यही होता है, जो भी आप करना चाहते हो उसमें इस एंगर की जरूरत पड़ती है। कभी कभी आप अपने बच्चे को डांटना चाहते हो, आप ऑफिस में कलीग को कंट्रोल करना चाहते हो, जो ऑफिस में आपके एम्प्लॉय हैं, जिस एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉय जो भी हैं, उनको आप कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे कि जो एम्प्लॉय है आपका, यानी जो काम करने वाला है, उसमें थोड़ा सा आपको गुस्सा रखना होता है। आप किसी से बात कर रहे हो तो कभी कभी बिना गुस्से के लोग मानते ही नहीं, तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं ज़रूरी है। तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है, और ये जो वॉलेंट्री एंगर है इसको अपने हक में यूज़ करना ही एक उचित डिसीजन निर्णय होता है। तो वॉलेंट्री एंगर को ख़त्म नहीं करना है, इनवॉलेंट्री एंगर को ख़त्म करना है। ये जो अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी होती रहती है, अननेसेसरी मेंटल एंगर, इसका रीज़न शरीर और मन है, उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। शरीर में इंद्रियां आ गई, शरीर में स्टिफनेस आ गई, मसल्स आ गए, उल्टा सीधा खाना पीना खा रहे हो, उसकी वजह से होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मन, मन का जो गुस्सा होता है ना वो उसी वजह से होता है। तो आई होप आपको समझ में, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे कंट्रोल कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मेरी स्पीच थोड़ी स्लर हो रही है। ओके, टेक केयर, बाय।